अभी ऊपर जाते हुए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि एकदम चढ़ाई है और ऑफ रोड भी है, मतलब बहुत सारे पत्थर हैं यार इस वाले रूट पे भाई। ट्रिपलिंग कैसे ले आऊंगा, आगे तो पूरा ऑफ रोड है भाई। मैंने आपको बताया था ना पूरा 3-4 किलोमीटर पूरा ऑफ रोड बेचा। रे 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 ओके गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:02। तो अभी मैं आ चुका अपनी पहली डेस्टिनेशन पे और यहाँ से लेना है मुझे राइट, तभी मुझे यहाँ आगे से एक और डेस्टिनेशन पे जाना है, मतलब वहाँ पे एक ब्रिज आता है। तो देखो गाइस अभी मैं जिस ब्रिज की बात कर रहा था तो ये है वो ब्रिज। तो यहाँ से भाई साहब ये तो पूरा ही चेंज हो गया यार। ओबे आई थिंक ये बीच में टूटा था ना इसलिए चेंज हो गया। अच्छा 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 हाँ बीच में फ्लड आया था ना। ओके मैं तभी बोले ब्रिज तो पूरा आगे तक था, यहाँ ना पूरा ऑफ रोड है। और मुझे अभी डर ये लग रहा है कि ये कैमरा ना यहाँ से गिर ना जाए। वैसे ये टेप बहुत हार्ड है, ऐसे आसानी से गिरेगा नहीं, बट इतने ऑफ रोड में। और जब हम यहाँ से पहले आए थे ना, मतलब एक पिकनिक स्पॉट है इस साइड है वो यहाँ लेफ्ट साइड पर, मुझे लगा था कि हम यहाँ ऊपर गए थे, बहुत ज़्यादा ऊपर गए थे भाई साहब, बट यहाँ से हमारा पूरा ऑफ रोड शुरू हो जाएगा। तो आज हमारी डीओ का ऑफ रोड टेस्ट भी हो जाएगा काफ़ी अच्छे से। देखो यहाँ ना पूरा ऑफ रोड का पैच है और पूरा 2-3 आई थिंक 3 से ज़्यादा ही होगा, तो पूरा ऑफ रोड है भाई यहाँ। मतलब पूरा ये देखो पूरा ऐसा पत्थर, पूरा एकदम पत्थर टाइप के है भाई। ये देखो पूरा ऑफ रोड है भाई इधर पूरा। तो भाई जो लोग कहते थे कि डीओ में ऑफ रोड करो तो लो भाई ये बहुत तगड़ा वाला ऑफ रोड है। और ऐसी वाली रोड भी नहीं, यहाँ देखो कुछ पत्थर बिल्कुल ओ भाई साहब ये देखो कुछ पत्थर, अरे भाई तो मतलब ना कुछ पत्थर बिल्कुल ही ऊपर आ रखे हैं ऐसे, ये बोला भी नहीं जा रहा, इतने गड्ढे आ रहे फिर पत्थर, मतलब गड्ढे नहीं है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे पत्थर हैं यार इस वाले रूट पे भाई। वैसे हम आ रखे हैं और ये वाला रोड तो आई थिंक अभी बनने से रहा, 1 साल पहले भी आए थे, मतलब 9-10 महीने पहले, तो तब भी एकदम ऐसा ही था। थोड़ा यहाँ पे सेटल करके चलते हैं भाई। ये देखो ओ भाई। बाकी यहाँ से जब मैं आगे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचूंगा ना मेन डेस्टिनेशन पे, तो भाई वहाँ तो मतलब एकदम ही प्यारी लोकेशन है यार, बहुत ज़्यादा प्यारी भाई। मतलब वहाँ एक ऐसी नदी टाइप की बहती है और बहुत प्यारी है भाई, बहुत ही प्यारी। ये दोनों भाई लोग क्या बोल रहे, हाँ वाटरफॉल या नदी, वाटरफॉल का पता नहीं भाई, ये नदी है आगे पे, मतलब पिकनिक स्पॉट है। मैं तो वहीं तक जा रहा, आगे तो छोड़ूंगा भाई। ट्रिपलिंग कैसे ले आऊँ, आगे तो पूरा ऑफ रोड है भाई। महादेव तक जाना ना पिकनिक स्पॉट है जो, वो तो यही है भाई। क्यों आप नहीं आ रहे अब, तो बैठ जाओ अगर कहीं पे होगा तो फिर बोल देना। आप कहाँ जा रहे हैं, आप यूट्यूबर हो क्या? हाँ मैं ऐसे जा नीचे है बाप। तो भाई ये दो भाई लोग भी मिले थे मुझे, तो मैंने बोला चलो। तो देखो गाइस अभी मैं पूरा ऑफ रोड करके आ चुका और बीच में दो भाई मिले थे मुझे, तो बोल रहे थे कि लिफ्ट दे दो। पहले मुझे लगा कि यार ट्रिपलिंग कैसे करूँगा, वैसे भी इतना ऑफ रोड है, मतलब वैसे करने के लिए कर दूंगा पर थोड़ा गाड़ी के लिए सेफ नहीं रहेगा। फिर उनकी चेहरे पर ऐसी मायूसी से छाई हुई थी, फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं बिठा देते हैं। बाकी मैं अभी ये पूरा इतना जो पैच है ना जहाँ से अभी एक कार आ रही है वो दिख रही होगी, तो पूरा ऑफ रोड करके भाई पूरा रोड ऑफ रोड का है। और आगे भी यहाँ पे आई थिंक कुछ है, बट ये तो मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ और स्कूटी मैंने यहाँ पे पार्क की है और अभी आगे जाते हैं आराम से। तो देखो अभी मैं यहाँ पे आके बैठ चुका हूँ और यहाँ का व्यू देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये वाली नदी। तो देखो गाइस यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत देर स्पेंड कर दिया था, काफ़ी मज़ा आ रहा था वहाँ पे और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी मज़ा आ गया था। अभी यहाँ से डायरेक्ट घर जाऊँगा, मतलब बीच में एक दो जगह पर रुकूँगा, एकदम डायरेक्ट भी नहीं जाऊँगा क्योंकि बीच में ना एकदम प्यारी प्यारी लोकेशंस हैं। अभी ऊपर जाते हुए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि एकदम चढ़ाई है और ऑफ रोड भी है। तो भाई आज तो पूरा ही टेस्ट हो गया मेरी डीओ का ऑफ रोड पे। अरे भाई ये देखो ये रे 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 भाई, पर भाई ये भी डीओ है, ऐसे हार तो नहीं मानेगी कहीं भी, चाहे कितना भी ऑफ रोड आ जाए। ये देखो भाई अभी मैं वहाँ नीचे पे वेट कर रहा था, वहाँ पे तो बहुत सारे साइकिल के ग्रुप्स हैं, तो आई थिंक वो वहाँ पे पार्टी वगैरह कर रहे हैं, मतलब पिकनिक स्पॉट है तो पिकनिक मना रहे होंगे आराम से। एंड अभी देखो वो नहाने भी लग गए कोई कोई लोग। बाकी फिर से वही ऑफ रोड पैच शुरू भाई। और यहाँ आगे पे भी एक प्यारी सी लोकेशन है जहाँ यहाँ नीचे लोग जा रहे हैं, आई थिंक ये ही है या थोड़ा आगे, हाँ यही तो है। ये देखो यहाँ लोगों ने अपनी बाइक वगैरह ले जा रखी है, देखो
भाई बहुत मस्त लग रहा, बहुत मस्त। यहाँ देखो ये भाई देखो कहाँ जा रहे एकदम, मेरा मन भी कर रहा है वैसे जाने का, पर चलो कोई नहीं कभी और जाएंगे। वैसे रास्ता पूरा है वहाँ क्योंकि बाइक्स वगैरह गई है ना वहाँ, बट हम तो चलते हैं भाई यहाँ से क्योंकि वैसे टाइम तो काफ़ी है अभी, अभी तो 8:30 ही हो रहा है भाई, क्योंकि मैं घर से पहले निकल गया था ना, तो घर से पहले निकलने का बस यही फ़ायदा होता है, मतलब टाइम से निकलने का यही फ़ायदा होता है, जहाँ आपको पहुँचना होता है वहाँ तो आप टाइम पर पहुँचते ही हो और उस लोकेशन को भी अच्छे से इंजॉय कर पाते हो और घर भी अच्छे टाइम पर पहुँच पाते हो। भाई ऑफ रोड देखो, मैंने आपको बताया था ना पूरा 3-4 किलोमीटर पूरा ऑफ रोड पहचा, रे 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 ये ट्रक वाले भैया मेरे आगे जा रहे, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ नीचे भी देखो एक स्विमिंग पूल भी है, ये देखो काफ़ी मस्त सा है। चलो भाई चल लेते हैं, और काफ़ी मज़ा आया यार वहाँ नीचे पे, मतलब तो एक दो वीडियो वगैरह मुझे शूट करनी थी वहाँ पे, तो शूट भी हो चुका है मेरा कंप्लीट, बट ऐसा ही होता है यार फ़ोन में ना थोड़ा लैग मार जाता है मेरा फ़ोन, बस ऐसा कि घर जाके फाइल करप्ट ना हो जाए तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा यार ऐसे बहुत बार। अरे भाई ये अंकल तो कुछ ज़्यादा धूल उड़ा के जा रहे हैं यार, ये देखो लोग अब आ रहे हैं यहाँ और मैं घर जा रहा हूँ आराम से। भाई अभी होगा मेरा ऑफ रोड आगे पे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सबसे डिफ़िकल्ट पैच था, और जो लोग मुझसे पूछते कि वाइब्रेशन होती है या नहीं होती है, तो भाई अगर ऑफ रोड में चलाओगे तो वाइब्रेशन होगी ही होगी, है ना, चाहे आप कोई सी भी स्कूटी चला लो या कोई सी भी बाइक चला लो। भाई साहब आज तो पूरा ऑफ रोड हो गया पूरा भाई। ये तो भाई लोग देखो अभी यहीं पहुँचे जिन्हें मैं लाया था, पूछता हूँ इन्हें अगर चल रहे होंगे तो चल लो भाई, जब लाया था तो चल रहे हो, चल रहे हो, इन्हें भी लेके चलते हैं भाई। जब फाइनली गाइस सीधी रोड पे आ चुके हैं, जहाँ से गए थे वहीं से अभी आ रहे हैं। अच्छा तुम ऊपर जाओगे, अच्छा ठीक, थैंक यू भैया, वेलकम। चलो भाई इन दोनों भाइयों को भी मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। अब देखो यार वो पहले मेरे साथ बैठे थे, फिर आते हुए उन्हें नहीं लाता, वैसे कुछ बोलते तो नहीं वो, पर फिर मुझे अजीब सा लगता, अब उन्हें वहाँ से ऊपर जाना था और मैं तो यहाँ से डायरेक्ट घर के लिए जाऊँगा। वैसे मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, मन तो कर रहा है कि यहीं से ब्रेकफास्ट करके चले जाऊँ, बट कोई बात नहीं, घर का खाना तो घर का ही खाना होता है, खुद जाऊँगा खुद बनाऊँगा एकदम मस्त से। बाकी अगर आप डायरेक्ट सेकंड वाला पार्ट देख रहे हैं, मतलब ये वाला व्लॉग देख रहे हैं, तो इससे पहले वाला व्लॉग ज़रूर से देखना। जिन लोगों ने अगर देखा है तो इट्स ओके, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो भी इट्स ओके, बट अगर आपको पूरी जर्नी देखनी है स्टार्टिंग से तो आपको इससे पहले वाला व्लॉग देखना ही होगा। और मैं दो पार्ट इसलिए बनाए थे मैंने इसके, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, वो क्या मतलब ये पूरा व्लॉग ही बड़ा हो चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दो पार्ट ही बना दिए जाए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा ब्लॉग रखना अच्छा नहीं होगा ना। बाकी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ देर बाद बारिश पड़ने वाली है, क्योंकि भाई मौसम देखो एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो गया है और 9 बजने वाला है वैसे भी। और जब मैंने यहाँ पे अपना कैमरा माउंट किया था तो ये थोड़ा सा टेढ़ा है ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लगाता मैं तो बहुत ज़्यादा गैप बच जाता, और यहाँ पे भी अभी देखो थोड़ा माइनर माइनर सा गैप तो बचा हुआ है। तो चलो यहाँ से सीधे आगे जाना है मुझे, और वैसे एक दूसरा वाला रूट भी था उधर से, तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि वहाँ से जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ ना कुछ टाइम के बाद वन वे वाला सीन हो जाता है। ओहो यहाँ पे एक नया मंदिर खुल गया भाई, ओम नमः शिवाय, भगवान रक्षा करना मेरी, बस मेरे घर जाने जाने तक बारिश ना पड़े यार। तो बस मैं इस वाले हाँ ये देखो वन वे हो गया यहाँ शुरू, वन वे ओनली, मैं वही तो कह रहा था, मतलब यहाँ से बस आ सकते हैं, यहाँ से हम जा नहीं सकते। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की। तो भाई वहाँ से मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ और घर पहुँचने वाला हूँ बस, मतलब अभी तो काफ़ी है, मतलब 10 किलोमीटर तो होगा यहाँ से, तो यह आराम आराम से जाते हैं भाई। अभी थोड़ा हल्की हल्की सी धूप लग चुकी है, मतलब धूप तो हल्की लगी है बट भूख बहुत तेज़ लग रही है यार। यहाँ पर कितने सेकेंड का है, 38 सेकेंड का। ये देखो ये सारे लोग आगे कहाँ जाते हैं भाई, जेब्रा क्रॉसिंग तो ये है, अब जब लोग कोई क्रॉस करने आएगा वो कहाँ से करेगा क्रॉस। और आज की संडे राइड में से काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि एकदम नया रूट भी था और कुछ नए लोग भी मिले, ऑफ रोड भी हो गया और एक नया एंगल भी मिल गया हमें यहाँ पे मोटर व्लॉगिंग के लिए, तो काफ़ी मज़ा आया। और अभी यहाँ से तो मैं डायरेक्ट अपने घर जाऊँगा। सो ओके गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो कमेंट योर फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाय पुचिक।